अब देखिए, अब आ रही है आवाज? आप बताइए, आ रही है आवाज? देखिए आप उधर से, सबको तो आ रही है, आप देखिए नहीं आ रही? हाँ बोलिए। अब देखिए, अब सही हुई? सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अच्छा बेटा, आज हमारी हम अपनी सुलाहत करेंगे। अब पिछले क्लासेस में इस तरह जो हमने शुरू की थी, फिर आपको बता दूं कि इस तरह वो लफ्ज है जिसके कोई खास मायने किसी इंडिया परिवार के माहिर में या किसी जवाब में उत्पन्न करेंगे। और ये मॉडल है इस्तेला वाहिद इसी जगह इस्तेला होती, कोई लफ्ज है ना उसके कोई खास मायने। ठीक है, हमने पहले मलाइका पढ़ा था, उसके बाद जिहार, फिर आईनी जिंदगी के बारे में मैंने बताया था आपको, एहसान हक है और खत्म रबी है। जवाब तरह जो है वो पढ़ चुके हैं। आज जो हम इस तरह करेंगे वो है तयम्मुम। तयम्मुम देखिए कि जिस तरह वजू और गुसल तहारत और पाकी हासिल करने का जरिया है, इसी तरह तयम्मुम भी पाकी हासिल करने का जरिया है। ठीक है, यानी आपको पता है कि इंसान को पाक को साफ करने के लिए तहारत पाकी की जरूरत होती है। ठीक है, उसके कई तरीके हैं, जैसे वजू के जरिए तहारत हासिल की जा सकती है। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें वजू करना जरूरी है। ठीक, वजू जो है वो पानी से किया जाता है। इसी तरह बाद ऐसी तहारत होती है जिसके लिए हमें गुसल की जरूरत पड़ती है, तो वो भी पानी से किया जाता है। ठीक है, तो जिस तरह वजू गुसल तहारत और पाकी हासिल करने का जरिया है, इसी तरह तयम्मुम भी पाकी हासिल करने का जरिया है। अब फर्क क्या है इसमें? फर्क सिर्फ इतना है कि वजू और गुसल जो है वो पानी से किए जाते हैं, वजू और गुसल पानी से किए जाते हैं, जबकि तयम्मुम पाक साफ मिट्टी से किया जाता है। तयम्मुम के जरिए तहारत या पाकी हासिल करना सिर्फ इस सूरत में जायज है कि जब कोई शरई उज़्र या पानी की अदम दस्तयाबी। ठीक है, यदि कोई शरई उज़्र हो, पानी का असर ना हो, दूर दूर तक पानी का असर ना हो, ठीक है, ये पानी की अदम दस्तयाबी होगी। चले उधर क्या कि कोई ऐसी बीमारी हो, चले उधर से क्या बना दे ऐसी तकलीफ या बीमारी लाए हो जिसमें पानी का इस्तेमाल साथ का बाइज हो जाए, कोई जख्म हो हाथ के पैर में या कोई और मसला हो जिसकी वजह से आप पानी में पानी इस्तेमाल ना कर सकते हो, तो उस सूरत में क्या करेंगे कि अगर पानी दस्तियाब हो और शरीर से भी कोई नहीं तो तयम्मुम से पानी हासिल नहीं हो। ठीक है, किस सूरत में होगी कि पानी लेंगे, दूर दूर तक पानी लेंगे, आपने ढूंढ लिया, अच्छी तरह देख लिया कि भैया पानी लेंगे, नमाज का वक्त हो चला है, तो अब क्या करना है हमें, हमने नमाज तो पढ़ ली है, तो हम नमाज तो नहीं छोड़ेंगे। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए तमाम जमीन को पाक किया है हमारे लिए कि हम नमाज पढ़ सकते हैं अच्छी बट्टी, इस तरह से हम उस पर तयम्मुम जो है वो कर सकते हैं। तो अब शरई उज़्र से मुराद क्या है, कैसी तकलीफ यह बीमारी लाया हो जिसमें पानी का इस्तेमाल जो है वो नुकसान का बाइस बन जाए। ठीक है,
तो पानी की अगर दस्तियाबी से मुराद क्या है कि किसी सूरत में कोई पानी तक ना पहुंच सके या पानी हासिल ना कर सके, और अगर पानी दस्तियाब है और शरीर उधर भी कोई नहीं है तो तयमुम से पानी हासिल नहीं होगी। ठीक है, मतलब आप कोई शरीर उधर भी नहीं था, यानी कोई ऐसी तकलीफ नहीं थी कि पानी इस्तेमाल करके तो आपको कोई तकलीफ हो जाती, या कोई ऐसी बीमारी नहीं थी कि जिससे पानी का इस्तेमाल नुकसान का बायस बनता, और फिर भी हमने ये सोचा कि नहीं नहीं हम तयमुम कर लेंगे, ये जरा आसानी से जल्दी हो जाएगा, तो उस सूरत में पानी हासिल नहीं होगी। पानी की अदम दस्तियाबी एक पानी के गैर मौजूदगी ना होना पानी का, ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि किसी सूरत में कोई पानी तक ना पहुँच सके या पानी हासिल ना कर सके, तो उस सूरत में क्या होगा कि आप तयमुम कर सकते हैं, लेकिन अगर पानी दस्तियाब है और कोई शरई की उजर भी नहीं है तो तयमुम से पाकी हासिल नहीं होगा। तयमुम से क्या करते हैं, तयमुम में पाक मिट्टी पर हाथ मारकर फिर झाड़ कर, पहले चेहरे का हाथ मारा, उसमें हाथ मारा उसको झाड़ा, और फिर चेहरे का, और फिर दो बार दोनों हाथों का कोहनियों समेत मसाह किया जाता है। मसाह पता होगा आप लोगों को कि हाथ फेरना, ठीक है, तो पहले चेहरे का और दूसरी बार दोनों हाथों का कोहनियों समेत मसाह किया जाता है। अगर शरीर जो खत्म हो जाए या पानी दस्तियाब हो जाए या एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का वक्त हो जाए तो तयमुम खत्म हो जाता है, यानी अब क्या हुआ आपने तयमुम कर लिया, तयमुम करके आप आ रहे हुए, आपको पानी मैसर आ गया, तो अब क्या बेहतर क्या हुआ कि आप वजू करके नमाज पढ़ो। ये तो बहुत ऐसी हालत में है ना कि जब आपको पानी बिल्कुल मैसर चाहिए और नमाज का वक्त है, और ये खदशा है कि हमारी नमाज निकल जाएगी, नमाज रह जाएगी, तो उस सूरत में तयमुम का हुक्म है कि आप तयमुम करके अपनी नमाज को पूरा कर। लेकिन अगर ये होता है कि आपने तयमुम कर लिया, शरीर उज़्र ख़त्म हो गया या पानी दस्तियाब हो जाए, ठीक है, तो आप वज़ू करके उस नमाज को पढ़ लें तो बेहतर रहेगी। ठीक है, फिर एक चीज़ और बता रहे हैं कि अगर शरीर उज़्र ख़त्म हो गया और पानी दस्तियाब हो गया या एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का वक्त हो गया, इस सूरतों में पहली सूरत क्या है कि आपका शरीर उज़्र ख़त्म हो गया, अब आपको कोई ऐसी तकलीफ नहीं थी, ठीक है, या आपने तयमुम किया थोड़ी देर में उसी वक्त पानी भी मैसर हो गया, तो क्या होगा तयमुम खत्म हो जाएगा, आपको वजू कर। इसके अलावा क्या चीज़ बता रहे हैं कि एक नमाज पहले एक नमाज अगर आपको तयमुम से पढ़ ली, अब दूसरी नमाज जैसे अब वजू में क्या होता है, हम वजू करते हमने असर का वजू किया, बाद ऐसा होता है असर की नमाज पढ़ी हमने और हम तस्बीहात पढ़ने बैठ गए, तो मगरिब का वक्त हो जाता है, हम उसी वजू से नमाज पढ़ते हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ ना की हो जिसे वजू खत्म होने का खतरा हो, ठीक है, हमारे आपसे नमाज पढ़ लेते हैं। लेकिन तयमुम के लिए क्या करें कि एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का वक्त हो जाए तो क्या होता है तयमुम खत्म हो जाता है, यानी अब दूसरी नमाज के लिए अगर उस वक्त तक पानी मैसर नहीं है या हमारा शरीर उसे बाकी है तो हम उस वक्त तयमुम कर सकते हैं, लेकिन दोबारा करेंगे तयमुम उसी एक तयमुम से क्या नहीं करेगा, ठीक है, एक नमाज का वक्त खत्म हो गया दूसरी नमाज का वक्त शुरू हो गया तो हम तयमुम दोबारा करेंगे। लेकिन अगर वजू का है हमारा और दूसरी नमाज का वक्त हो जाता है, ठीक है, और हमारा वजू बाकी है तो हम उसी से नमाज पढ़ते हैं। लेकिन तयमुम के लिए क्या कहा उन्होंने कि अगर शरीर वजू ख़त्म हो जाए या पानी दस्तियाब हो जाए तो अपन तो और नमाज का वक्त है तो आप उसी वक्त वजू करेंगे और नमाज पढ़ लेंगे अपनी वजू करेंगे, या एक नमाज पढ़ ली आपने तयमुम से, आप दूसरी नमाज का वक्त आ गया तो अब आप क्या करेंगे कि आप दोबारा दें तो अगर पानी भी मैसर नहीं आया और शरीर वजू भी बाकी है तो आप तयमुम दया करें। लेकिन अगर शरीर उजुर में ख़त्म हो गया और पानी दस्तियाब हो जाता है तो आप वजू करें। अल्लाह ताला ने फरमाया अगर पानी ना पा सको तो पाक साफ मिट्टी से तयमुम कर दो। तो ये हमारे लिए देखिए अल्लाह ताला ने हमारा जो दीन बनाया है उस दीन में हमारे लिए आसानियाँ बहुत हैं। ये नमाज जो है आपको पता है कि इस्लाम के अरकान का सबसे अहम रुकन है, सबसे पहले नमाज के बारे में ही सवाल किया जाएगा, ठीक है, तो यदि किसी सूरत में नमाज माफ नहीं हुई तो अल्लाह ताला ने पहले इंसान की को तकलीफ किया है, उसकी तमाम ज़रूरतों को उसकी चीज़ों को वो जानता है कि उसके साथ क्या मसाइल पेश आ सकते हैं क्या चीज़, तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ का हमें तरीक़ा हल बता दिया कुरान के ज़रिए हदीसों के ज़रिए। आज असल की ज़िंदगी हमारे लिए एक रहनुमाई का ज़रिया है जिसके ज़रिए हम रहनुमाई हासिल कर सकते हैं।
इसी तरह जहाँ तहारत की बात आ जाती है, जहाँ पाकी हासिल करने की बात आ जाती है, तो वहाँ पे भी बता दिया कि भाई वजू के जरिए हम तहारत हासिल करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा वजू तहारत नहीं तयम्मुम है। लेकिन थोड़ा सा भी बता दूँ कि जहाँ पर हमें तहारत की जरूरत है, अगर वजू के जरिए तहारत हासिल हो जाती है तो हम वजू के जरिए हासिल करेंगे, लेकिन अगर गुसल की जरूरत पड़ती है तो हम वहाँ पर गुसल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताया कि जिस तरह वजू और गुसल जो है वो पानी से किए जाते हैं, ठीक है, इसी तरह तयम्मुम जो है वो पाक साफ पुट्टी से किया जाता है, और उसकी सूरत बता दी कि किस रूप में, किस सूरत में जायज है कि जब कोई शरई उजूर हो जाए या पानी की अदब दस्ती आ गई। शरई उजूर से मुराद क्या है, कोई ऐसी तकलीफ की बीमारी हो जिसमें पानी का इस्तेमाल जो है वो आपके लिए नुकसान का बाइस बन जाए, ठीक है, और पानी की अदब दस्ती आ गई है कि किसी सूरत भी कोई पानी तक पहुँच ना सके या पानी हासिल ना कर सके, ठीक है, तो उस सूरत में आप तयम्मुम कर सकते हैं पाक साफ पुट्टी से, पर अगर पानी दस्तियाब है और कोई शरई उजूर भी नहीं है तो तयम्मुम से पाकी हासिल नहीं होगी। यानी उसको अपनी आदत का हिस्सा नहीं बनाना है, अपनी ये नहीं कि बस अपनी आसानी के लिए उसने वही तयम्मुम कर लिया, ऐसा नहीं है, उसकी कंडीशंस रखी है कि अगर ये मसाइल हैं तो आप तयम्मुम कर सकते हैं, दूसरी सूरत में आपको वजू या गुसल के जरिए ही जिसकी जरूरत है, वजू की जरूरत है तो वजू और गुसल की जरूरत है तो आप उसी से तहारत हासिल करें। तयम्मुम में इसका तरीका बता दिया कि पाक पुट्टी पर हाथ मारकर और फिर झाड़ेंगे उसको, फिर चेहरे का और दूसरी बार दोनों हाथों का कोई समेत मसा किया जाता है, अगर शरीर में ख़त्म हो जाए या पानी दस्तियाब हो जाए, ठीक है, अगर आपके शरीर में ख़त्म हो जाता है, पानी दस्तियाब हो जाता है, अब आप वजू करके नमाज पढ़ें, ठीक, या आपने एक नमाज पढ़ ली गए तो अब दूसरी नमाज का वक्त आ रहा है तो आप उसी तरह से नमाज नहीं पढ़ेंगे, बल्कि या तो आप अगर पानी मैसर आ गया आपको, आपका शरीर में जो ख़त्म हो गया तो आप वजू करेंगे, नहीं तो आप दोबारा तैयार करके नमाज पढ़ें, ठीक है, क्योंकि एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का वक्त हो जाए तो तैयू खत्म हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर पानी ना पा सको तो पाक साफ होने से तैयार, यह हमारा बाकी हासिल करने का एक जरिया है तैयार। अगली इस्तिलाह हमारी जो है वो है कातिबी जो है, कातिबी जो है वो कातिब की जमा है, इसके मायने में लिखने वाले, ठीक है। अब यहाँ पर जो कातिबीन वही का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो वही आपको पता है कि जो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के जरिए अपने पैगंबरों तक पहुँचाते थे वो वही कहलाती है, जो बात चुपके से दिल में डाल देना है ना, ये चीज़ जो है कोई भी पैगाम पहुँचा देना हमारी हिदायत के लिए, कोई शरीयत बता देना, कोई भी ऐसी चीज़ जो फरिश्तों के जरिए अल्लाह ताला अपने पैगंबरों तक पहुँचाए तो वो वही होती है, ठीक है, कि कोई बात दिल में डाल देना। तो यहाँ कातिबीन जो है कातिब की जमा है, जिसके मायने लिखने वाले हैं। अब वही से मुराद अल्लाह की वो आयात है कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए हुज़ूर अकरम, यहाँ पर वही से मुराद क्या है कि जो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कब पेश 23 साल के अरसे बिना, ठीक है, यानी कुरान की बात होती है, कुरान क्या है, वही है अल्लाह ताला ने अपने अहकाम बताया, अपनी ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाया, ये जवाब करते जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वक्त-फ़वक्त जैसे जैसे हालात होते थे, जैसे जैसे सूरत हाल सामने आती थी उसके मुताबिक आयतें नाज़िल अल्लाह ताला फरमाते रहे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए, और 23 साल के अरसे भी ये पूरा काम मुकम्मल हुआ। चुनांचे कातिबी ने वहीं से मुराद वो सहाबा करार है जो वहीं पर लिखकर महफूज किया करते थे। अब होता क्या था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी वही नाज़िल होती, आप उसको याद करते, उसके बाद सहाबा कराम को बताते जिसको वो याद कर लेते, ठीक है, वही को याद करते तो उसको लिख देते थे दरख्त छालों पे, पत्तों पे, हड्डियों पे, इस पर लिख कर उसको महफूज कर देते। तो कातिबी ने वही कौन हुए कि जो लिख कर महफूज करने वाले, जो इस वही को लिख कर महफूज कर लेते, तो जिनमें चारों खुल्फ़ाए राशिदीन के अलावा यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के अलावा हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत अबी बिन काब शामिल, ठीक है। वही की किताबों के हवाले से हज़रत ज़ैद बिन साबित जो है फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही की
के लिए वही की किताबत करते रहे, जो वही आती थी उसको यदि लिखते रहते, उसको महफूज करते रहते। यहाँ पर जो कादरी के वही है बहुत अहमियत है कि इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुना, फिर उसको लिखते गए मुख्तलिफ चीज़ों पर। उसको आपको पता है कि कुरान जो है पहले इस किताबी शक्ल में मौजूद नहीं था, बल्कि उसको मुख्तलिफ चीज़ों पर लिख कर महफूज कर दिया जाता था। मस्जिद जब अभी जो थी तो वहाँ पर एक मकाम बना दिया था, तो वहाँ पर वो लिख कर रख दिया करते थे, जो भी आते उसको उठा के वहाँ से पढ़ते और उसको याद कर लेते। तो इस तरह जैसे जो जो वही नाजिल होती गई वो सहाबा कराम को याद भी होता रहा और लिख लिख कर उसको महफूज भी किया जाता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ही में पूरा कुरान जो है वो तरतीब से अल्लाह ताला की तरफ से तरतीब उसकी सूरतों के हिसाब से उसको तरतीब वाइज कर दिया था, जो आज हमारे पास उसकी तरतीब है इस तरह उसको कर दिया था। लेकिन किताबी शक्ल में वो मौजूद नहीं था। किताबी शक्ल में वो मौजूद अबू बकर के दौर में जब जंग यमामा हुई, यानी मदीने जब एक शख्स ने नबूवत का दावा किया, तो उस वक्त उसकी उसको ख़त्म करने के लिए उसके इस दावे को जब हुई तो उसमें काफ़ी हफाज जो थे वो शहीद हो गए। तो उस वक्त हजरत उमर फारूक को यह ख्याल आया कि इसी तरह अगर हफाज शहीद होते रहे तो कहीं कुरान का कोई हिस्सा गाया ना हो, तो उन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई। अबू बकर सिद्दीक थी, अबू बकर सिद्दीक ने दवा को एक जगह यकजा कर दिया, उसके बाद अबूबकर की जगह हो गई थी, सब उसको किताबी शक्ल पर उसको महफूज कर दिया था। फिर हजरत उस्मान गनी ने के दौरे हुकूमत में क्या हुआ कि इसको सब आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सबको एक जगह पर जमा किया और उसके साथ सबको तैयार करके मुख्तलिफ शहरों में उसको भेजी, ताकि लोगों का जो तलफ़ था, जो उसकी तिलावत का तरीक़ा था, वो एक जैसा हो सके, उसमें कोई तजाद ना हो। क्योंकि जो अरबी थे उसका लबो लहजा पहले कुरान अरबी में नाजिल हुआ तो बहुत अच्छा था, बेहतर था। अब जब अजबी पढ़ते थे तो उनके लिए मुश्किल होती थी, ठीक। तो उनके लिए उन्होंने उसको एक जगह जमा किया और एक किताब की शक्ल में जमा किया, सबको एक किरत पर जमा किया, तो इसलिए जामेउल कुरान भी कहलाया है अगर उस्मान नदी नदी मतलब। इसके ऊपर देर गवत पेश नहीं की है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये हजरत हजरत अली के शागिर्द थे, हजरत अस्वद अल अस्वद ताप से उठा, और उन्होंने हजार में यूसुफ के दौर हुकूमत में इस पर उसने जेर जबर पेश जो है आराम जो है नौकरे वगैरह ये सब का काम किया कि आज हम आसानी से जो है वो कुरान जो है वो पढ़ सकते हैं, एक अजमी भी जो है वो आसानी से कुरान शरीफ पढ़ सकता है। जिस तरह जैसे ये उर्दू होती है, अब हमें पता होता है कि अब हमें जिसके मायने हैं लिखने वाले वहीं से कुरान अल्लाह ताला की वो आयात है, हमें इसमें जेर जबर पेश की जरूरत पेश नहीं आ रही ना, क्योंकि हमें उर्दू वाली जबान है हमें समझ आ रही है। लेकिन अरबी क्योंकि हमारी जबान नहीं है तो उसके लिए हमें मुश्किल होती है, तो इस वजह से जब उस पर आराम लगे तो कुरान पढ़ना हमारे लिए भी बहुत आसान है, ठीक है। तो कातिबी जो है वो कातिब की जबान है जिसके मायने हैं लिखने वाले, और वहीं से मुराद अल्लाह ताला की वो आयत है जो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल के जरिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कब वेश 23 साल के अरसे में नाजिल हुई। चुनांचा कातिबी ने वहीं से मुराद वो सहाबा कराम थे जो वहीं को लिखकर महफूज किया करते थे, जिनमें चारों खुल्फाए राशिदीन के अलावा हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद और हजरत अबी काब बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शामिल। वही की किताबत के हवाले से हजरत ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वही की किताबत करता हूँ, ठीक है। लेकिन जब आपको बताते थे बोलते थे तो वो लिख लिया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर पाक जो है कुरान पाक आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पूरा कुरान पाक जो था मुख्तलिफ अज्जा पर लिखा हुआ था, इसके अलावा कई सहाबा कराम को कुरान पाक जमाने भी उसकी था। तभी अगर तो कुरान पाक की सूरतों की तरतीब भी अपनी जिंदगी में फरमाती थी,
क्योंकि मुख्तलिफ आयत का रजू 3 साल के अरसे में हुआ, इसलिए कुरान पाक की मौजूदा तरतीब नज़ूल के एतबार से सूरतों की तरतीब रखी है। आपने अल्लाह तआला के हुकुम के मुताबिक उसकी तरतीब रखी, इसलिए कुरान पाक की मौजूदा तरतीब क्या है, तो कुरान पाक किताबी शक्ल पे मौजूद है हमारे पास, पानों की शक्ल में 20 पारे हैं इसके, 114 सूरते हैं इसकी, बाकी सूरतों की तादाद 87 है, कुरान पाक के 7 वर्जिले हैं, बाकी सूरतों की तादाद 27 है और बाकी सूरतों की तादाद 87 है, रुकू की तादाद 858 है और कुल आयतों की तादाद 6666 है। ठीक है, तो इस तरह जो कातिबी वहीद है उन्होंने कुरान को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाजिम होता जाता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको लिखवाते रहते थे सहाबा कराम से, कायदा जो होगी सहाबा कराम की एक बड़ी तादाद से हिस्स करते में भी लग जाती और फिर वो बार बार रबी करीम के सामने उसको याद आ जाती, बार बार उसको पढ़कर उसको सुनाकर ये इख्तियार हासिल करते हैं कि उसको सही तरीके से इसे हिस्स कर दिया। इसके अलावा मालूम है कि जो मुख्तलिफ जगहों पर उसको लिख लिया करते थे, ठीक है, यानी हड्डियों पे, दरख्तों की छालों पे, इस तरह से इसको लिख लिया गया था, हिफ्ज़ किया और उसके बाद इसको मुख्तलिफ जगहों पर लिख कर महफूज किया गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सनिफाला को वाकत से 23 साल 8 माह की मुद्दत पर लिखने ज़रूरत और अपने नए इलाही के तहत इसको दाखिल किया गया और इसकी मौजूदा तरतीब सहाबा कराम या बाकी मुसलमानों के उत्साहता नहीं है, बल्कि ये तरतीब सूरतों में मजामीन और अहकाम के तसलसल के तहत, यानी जैसे जैसे अहकाम और चीज़ें नाजिल होती थी कुरान नाजिल होता था, लेकिन जो भी उसकी सूरत पेश आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन आयतों को भी कौन सी सूरत में कौन सी आयत को शामिल करना है उसकी तरतीब बयान फरमा दी, जिसे आप ने खुद मुकर फरमाया। तो ये भी अल्लाह ताला की हुकुम से ही हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको एक तरतीब से और एक किताब की सूरत में अपनी ज़िंदगी में ही उसको शामिल कर दिया था हमारे लिए, ताकि हम उसको आसानी से पढ़ सकें और उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। सहाबा कराम का क्या तरीका था कि एक ही वक्त में दाखिल नहीं हुआ तो कुरान पाक के 23 साल की मुद्दत पर थोड़ा थोड़ा दाखिल हुआ था, जो भी कुछ आयत दाखिल होती तो नबी अकरम फरमाते कि इन्हें किस सूरत से पहले या बाद में और कौन सी सूरत के साथ रखा जाए। मस्जिद नबवी में एक मकाम मुतय्यन था जहाँ वो इबादत में की जाती, सहाबा कराम उसे दफन करके ले जाते और जाते और मुख्तलिफ अवकात उसकी तिलावत करते। ठीक है, इस तरह क्या हुआ कि कुरान मजीद जो थी आदमी नाजिल भी होता गया, लिखा भी जाता रहा और हिफ भी होता रहा, और इस अमल में सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि खवातीन भी शामिल हुई, हत्ता के नबी करीम की हयात तैयबा में मुकम्मल कुरान अक्सर उपहार में मौजूदगी और मुख्तलिफ सहाबियात को हिफ हो चुका था। ठीक है, और उसकी नकूर भी तैयार कर दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के बाद हजरत अबू बकर ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखवाए हुए तमाम अक्सर को नबी करीम की मुकर्रर करदा तरतीब के मुताबिक यज्जा करके महफूज करा दिया। आयत की तरतीब सूरतों के नाम वही थे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करदा किया। हजरत उस्मान गनी ने अपने अहद खिलाफत में उसकी मुतादिद नकूल तैयार करा के तमाम सूबाई हुकूमतों को एक एक दूसरे के तौर पर भेज दी। ठीक है, वही जो थी वो मुख्तलिफ आयतों से थोड़ा थोड़ा करके, कभी कोई आयत नाजिल होती कभी कोई आयत कर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से उसको एक तरतीब वाइज सूरतों के नाम उसके मुकर्रर करवाए और ये भी बता दिए कौन सी आयत की सूरत में किसके बाद की जाएगी, पूरा ये भी तरतीब आज हमारे पास मौजूद है, उसके हिसाब से पूरी वो तरतीब अपनी जिंदगी में लिखवाए। हजरत अबू बकर उन्होंने उसको आपकी नजर की बात ये भी लिखवाया, तमाम मंसा को यज्जा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरतीब के मुताबिक मुकर्रर करदा तरतीब को उन्होंने भेज दिया करा के महफूज करा और आयत की तरतीब और सूरतों के नाम भी थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला के हुक्म से मुकर्रर हो पाए। ठीक है, और हजरत उस्मान गनी ने अपने अहद खिलाफत में इसके मुताबिक वक़्त तैयार करके जब आप सुबाई हुकूमतों को एक एक दूसरे के तौर पर दिया, और इसके अलावा चारों खुफा राजनीति के अलावा हजरत साबित हजरत
हो गई और एक हो गई आपकी कातिबीय वही।